हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजय। आज मैं आपको SBI क्रेडिट कार्ड का यूज़र नेम या पासवर्ड या एम पिन आप भूल गए हैं तो उसे रीजनरेट कैसे करते हैं ये सिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए हम SBI कार्ड ऐप का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम ऐप को ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स, एंड उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा जहाँ हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे सामने लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास में ना तो यूज़र नेम है ना ही पासवर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे फॉरगेट लॉगिन डिटेल पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं। देन आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो चुका है जहाँ आपको आपका क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स वो करते हैं हम। फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड नंबर फिल करेंगे। देन क्रेडिट कार्ड नंबर फिल करने के बाद में आप देखेंगे आपको CVV नंबर का ऑप्शन भी ओपन हो गया। तो यहाँ हम हमारा CVV नंबर एंटर कर देंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, तो उसे भी हम फिल करके आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको सबसे नीचे येलो कलर में जनरेट OTP लिखा दिख रहा होगा। हम जनरेट OTP पे क्लिक करके OTP को जनरेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम एक न्यू पेज पे आ गए हैं जहाँ हमें वन टाइम पासवर्ड फिल करना होगा। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे बैंक द्वारा एक OTP भेजा होगा जिसे हम फिल कर लेते हैं। देन इसके बाद में हम कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपका यूज़र नेम सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। देन इसके बाद में हम हमारा पासवर्ड भी जनरेट करेंगे। मिनिमम कैप्चर्स हमें यूज़ करने होंगे, वर्ड्स एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर। मैंने ऑलरेडी अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग जनरेट कर लिया है। फ्रेंड्स, आपको भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही जनरेट करना होगा। अब हम अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा पासवर्ड भी सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब हम टेक मी टू लॉगिन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम अगेन लॉगिन पेज पे आ चुके हैं जहां आपको यूज़र नेम लिखा दिख रहा होगा, वहां पे हमें क्लिक करना है फ्रेंड्स। उसके बाद में हम हमारा यूज़र नेम यहाँ पे एंटर कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं हम। फ्रेंड्स, सामने दिए येलो एरो पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड्स। देन सेम इसी टाइप से आपको आपका पासवर्ड फिल करना है एंड एरो पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। देन आपके सामने अलाउ का ऑप्शन है, उससे अलाउ कर लेंगे फ्रेंड्स। अब हमें हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाइड कराना होगा, उसके लिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। देन अगेन हमें अलाउ करना है मैसेज। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो रहा है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जिसे हम कॉपी कर लेते हैं फ्रेंड्स। कॉपी करने के बाद में हम इसे OTP को हम फिल कर लेंगे। देन उसके बाद में हम लिंक डिवाइस पे क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए लिंक डिवाइस पे क्लिक करते हैं हम फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हम एक न्यू पेज पे आ गए हैं जहां हमें हमारा MPIN सेट करने के लिए बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने मेरा MPIN ऑलरेडी फिल कर लिया है। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, आपके सामने एक नोटिफिकेशन शो हो रहेगी MPIN हैज़ बीन सेलेक्ट पे ओके कर लेंगे फ्रेंड्स। देन इसके बाद में हमारे सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन शो हो रही होगी जिसे हमें एग्री करके एक्सेप्ट करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं। एक्सेप्ट पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने एक न्यू नोटिफिकेशन शो हो रही है जहाँ पे इनेबल टच ID का ऑप्शन शो हो रहा है, इसे हम नॉट नाउ पे क्लिक करके ओके करके आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगेन ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हमारा MPIN भी सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।